अब जाहिर सी बात है, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं आपके भी जेहन में इच्छा है कि आप भी ऐसे आईएल्स की प्रिपरेशन करें और किताबें पढ़ें और अपने मास्टर्स के लिए बाहर जाएं, लेकिन आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं किसी ना किसी रीजन से। कोविड का तो एक मसला है ही जो है, लेकिन कोविड तो खत्म हो जाएगा, आज नहीं तो कल वैक्सीन आ जाएगी। तो बाहर जिसको भी जाने की इच्छा है, कईयों के फाइनेंशियल रीजन है, फाइनेंशियल रीजन पे थोड़ा बाद में बात करते हैं। और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से घर वाले नहीं मानते हैं कि हम अपने बच्चे को बाहर भेजें, तो वो फैक्टर्स क्या हैं और उनको अभी से ही, जो अभी कॉलेज में फर्स्ट सेकेंड ईयर में है या फिर फाइनल ईयर कर चुके हैं या कहीं भी हैं किसी स्टेज पे, आप के क्यों नहीं मान रहे घर वाले, उसके दो तीन ही कारण हैं कि भाई, पहला कारण तो ये है कि आपका या तो शेड्यूल बहुत बेकार है, उसे आप सुधारें। शेड्यूल से मेरा मतलब ऐसे है कि आप बहुत ज़्यादा आलसी हैं, और ये चीज़ें मैंने भी अभी डिस्कवर की हैं क्योंकि मैं खुद भी ऐसा सही था। ठीक है, तो घर वाले भी ट्रस्ट इजली नहीं करते, आप सो रहे हैं 11-12 बजे तक, आप खुद अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, इतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, आप इतने डिटरमाइंड नहीं हो कि भाई मुझे बाहर ही जाना है और मुझे वहीं से मास्टर्स करनी है। अगर आपकी कोई नॉर्मल सी ही डिग्री आपको करनी है तो एक अलग बात है, तो इतना परेशान मत हो, फिर तो यहीं से कर लो। लेकिन अगर आपको जेन्युइनली बाहर मास्टर्स करनी है और रिसर्च करनी है, या फिर आपका सेटल होने का भी पर्पज़ है, तो आप क्लियरली एक बार उन्हें बात बताओ कि मेरे साथ ये चीज़ें हैं, आप क्लियरली सुनो, बैठो उनके साथ, इतना उनको नेगलेक्ट मत करो घर वालों की जिद पकड़ के, क्योंकि रिबेल करोगे ना तो वो आप पे ही भारी पड़ेगा, क्योंकि इन दी एंड पैसे घर वाले ही देंगे। अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो ये बात ही नहीं होती, ना ये टॉपिक उठता। ये इंस्टाग्राम पे ही मुझसे किसी ने पूछा है सवाल, इसलिए मैं इसको एड्रेस भी कर रहा हूँ। तो मेन बात देखो ये है, क्या होता है ना, घर वालों को जब दिखता है कि शेड्यूल इसका बहुत बेकार है, आलसी है, यहाँ भी पड़ा रहता है, सोता रहता है, बाहर आवारागर्दी कर रहा है, घूमा है, दोस्तों के साथ मजे कर रहे हैं, ये वो करियर अभी बनाने वाली एज में ये सब कर रहे हैं, तो उन्हें भी पक्का हो जाता है कि भाई ये वहां जाके भी मजे ही करेगा, धक्के खाएगा, फिर वापस आ जाएगा इन दी एंड, और ना वहां का रहेगा ना यहाँ का रहेगा, कोई सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो हर कोई वापस आ जाता है सब बेकार होते हैं, नहीं, पर जो मतलब वहां पे कुछ भी करके नहीं आ रहे और फिर सिर्फ वापस ऐसे ही आ गए, या तो कोई पर्पज हो कि वापस आके यहाँ काम करना है, वो एक अलग बात है, लेकिन आवारागर्दी करनी है कि सिर्फ ये है कि 1-2 साल कैनेडा, लंदन, अच्छे अच्छे शहरों में बस घूम के आ जाना है, पढ़ाई तो एक बहाना है। अगर आप ऐसे शो करोगे, आपके शेड्यूल से ही शो होगा, ये और कैसे शो होगा, इसीलिए उनको इतना ट्रस्ट नहीं आ रहा। उन्हें भी ये लगता है कि वहां जाके भी परेशान होगा, यहाँ भी परेशान होगा, तो कोई सेंस नहीं है भेजने का, इसलिए वो नहीं चाहते कि आप बाहर जाओ। कई जगह ये दिक्कत होती है, हम शेड्यूल हमारा नहीं सुधारते हैं, और घर वालों के लिए वो माँ बाप हैं, वो है ना 18-19 साल से जानते हैं, तो उनको कन्विंस करना इस चीज़ पे मुश्किल है, एकदम से नहीं होगा। तो अभी से ही आप शेड्यूल सुधारो थोड़ा, जब भी हो, अभी भी टाइम है। जो एंट्रीज अभी बाद में होंगी, जनवरी वाले में तो कर नहीं पाओगे, जो भी बाद की एंट्रीज होगी, तो तब तक अपना ट्राई करो, शेड्यूल सुधारो। बात और है कि देखो, कई बार हम क्या है ना, बहुत ऐसा करते हैं कि हम वेट कर रहे हैं कि नहीं, अब परमिशन मिलेगी, अब ये होगा, अब तब प्रिपेयर करूंगा। प्रिपेयर वगैरह करते रहो, अपना आईएल्स का फॉर्म भर दो, आईएल्स दे लो खुद ही, जब हाथ में अच्छा बैंड स्कोर होगा और ला के एडमिशन लेटर पकड़ा दोगे ना, तब कोई नहीं रोक सकता भाई, तब कोई नहीं बोलेगा। अगर आपको मिल रहे हैं अच्छे कॉलेजेस, किंग्स कॉलेज लंदन या फिर ऐसा कोई मतलब बढ़िया कॉलेज मिल रहा है, तो कोई भी माँ बाप क्यों चाहेगा। पैसा तो एक बाद का फैक्टर है, चलो हर मिडिल क्लास आदमी के लिए पैसे का तो फैक्टर है ही, पर तब कोई भी क्यों नहीं चाहेगा कि आप अच्छी से अच्छी जगह एजुकेशन लो, पढ़ो, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर आप ढंग की यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो वो नहीं रोकेंगे। दूसरा रीजन इसमें होता है कईयों का CGPA, तो भाई मैं अभी भी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, CGPA सुधारो यार, CGPA मैटर करती है बाहर के लिए। ठीक है, एक नॉर्मल ढंग की जैसे जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में आपको 2.5 के बिलो चाहिए, तो वो आप 7.5 अबव तो रखो ही मिनिमम, आप CGPA भी नहीं लाओगे, आपका शेड्यूल भी बेकार है, फिर आप ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में वहाँ चले जाओगे तो क्या मतलब है। इंडिया में भी कहीं ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ लिए, वहाँ पे भी किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर ली, तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो फिर घर वाले क्या कोई भी नहीं भेजना चाहेगा अपने बच्चे को, या फिर आप कोई अंबानी के बेटे हो, तो वैसा केस भी नहीं है। तो ये दो चीज़ों पर आप गौर फरमाओ, एक शेड्यूल सुधारें, एक अपना जो अभी बच्चे कर रहे हैं अपनी CGPA पर ध्यान दें, मैटर करती है। ऐसा नहीं कह रहा मैं 9-10 ही रखनी है, लेकिन एक अच्छी डिसेंट CGPA रखो, एटलीस्ट 7.3 से 8 के बीच में तो रखो ही रखो। ठीक है, फिर एक बात आती है कि फाइंड अ पर्पस, जा क्यों रहे हो, सिर्फ इसलिए नहीं जाना। कई लोगों का आजकल अलग रीजन हो गया कि भाई मुझे जाना है, मुझे सिर्फ वहां पे जाके यूट्यूबर बनना है,
वीडियो बनाने बाहर लंदन दिखाऊंगा ये वो। ओ मेरे भाई, कोई परमानेंट पता थोड़ी है कि आप जाके वहां पे कर ही लोगे या हो ही जाएगा। ये बहुत शॉर्ट टर्म पर्पज मत पालो, लॉन्ग टर्म पालो। बाहर जाना है वो एक बड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है और काफी पैसे लगते हैं उसमें, ठीक है। आप चाहे जर्मनी भी जाओगे तो वहाँ रहने खाने का जो आपका खर्चा है वो भी अप्रोक्स आपको काफी महंगा पड़ेगा, 10-15-20 लाख रुपए तो पड़ेंगे ही। तो ऐसा नहीं है, हलवा नहीं है ये कि आपने बस डिसाइड कर लिया आप जाना है, काफी फैक्टर लेके चलने पड़ेंगे। और रीजन यही है भाई, घर वालों को मना क्यों नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपकी इतनी कन्वर्सेशन ही नहीं हो रही है। आप रेगुलरली पिंच करते रहो कि भाई मुझे जाना है जाना है, और एक डायरेक्शन में जब वर्क करना शुरू कर दोगे ना उस तरफ की, खुद ही काउंसलर्स के चक्कर काट रहे हो, खुद ही आप दिखा रहे हो कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ, IELTS आप दे चुके हो, अच्छा बैंड स्कोर आपके हाथ में है, फिर कोई नहीं रोकेगा। मतलब जनरली नहीं रोकेगा कि भाई हाँ अच्छा डेस्परेट है, जाना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, तब नहीं आती हैं दिक्कतें। तभी आती हैं कि जब आपका खुद से इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा हो, आप हवा में हो कि मेरा कोई दोस्त चला गया उसको देख के मैं जा रहा हूँ, या फिर मेरा कि बहुत आप एक उसमें हो सुपरफिशियल चीज़ में कि बस ऐसे ही जाना है कुछ तो हो ही जाएगा। ये कुछ नहीं हो जाएगा भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले एक पर्पस फाइंड करो, एक्चुअल में जाना क्यों है, वो पर्पस अपने घर वालों के साथ बैठ के डिस्कस करो इसलिए जाना है। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल चीज पे। ये पेरेंट्स के लिए है जो फाइनेंस को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। देखो पहले तो जो भी कोई स्टूडेंट भी सुन रहा है, तो अगर आप लोअर मिडिल क्लास एकदम ही आपकी हालत बहुत खराब है, कोविड के बाद बहुतों की हालत बहुत खराब है, तो भाई मैं भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप जाओ यार 20-30 लाख रुपए लगा के। अगर आपकी है ही नहीं श्रद्धा अभी, तो फिर क्यों जा रहे हो, फिर यहीं से कर लो ना, फिर यहाँ पे कैपेबल बनाओ खुद को। ऐसा नहीं है कि वहीं सब कुछ है, वहाँ है अच्छा है, अच्छी एजुकेशन है, सारी बातें हैं, पर आप यहाँ मेहनत करो। फिर इतने पैसे घर वालों की क्या है हालत खराब हो जाती है कमाने में, जब हम खुद कमाएंगे ना तब पता चलता है, तो फिर तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। पर अगर आप मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास हो और फिर आप फाइनेंस के लिए इतना सोच रहे हो, तो अब ये पेरेंट्स से मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इतनी दिक्कत नहीं है। आप जैसे जहाँ भी जा रहे हो, अगर आपका बच्चा आपको पता है कि ढंग का है, तो आप फाइनेंस को लेके प्लीज़ परेशान ना हो। आप लोन हर कोई लेता है, लोन लें और बच्चा आपका चुका देगा। इतनी रिक्वेस्ट मैं करता हूँ उसके बिहाफ पे आपसे कि वो चुका देगा अगर वो हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है, वर्किंग है। कई लोग सोचते हैं वहाँ पे वर्किंग कल्चर है, बच्चे को सब कुछ, स्पेशली इंडियन माओं का बहुत होता है कि वहाँ जाके खुद से ही काम करने पड़ेंगे सारे, तो यह एक अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप भी प्लीज़ मान जाएं। मेरे पास भी इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई इसका क्या करें, क्या सॉल्यूशन है, घर वाले मानते ही नहीं है, इन दी एंड हमें इंडिया से ही करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत दिल से जाना चाहते हैं बाहर, तो कैसे मनाएं। तो ऐसे ही मनाओ, सब ऐसे ही मनाते हैं, हम भी ऐसे ही मनाते हैं, और भी जो दुनिया में है आप दिखाओ अपना पैशन। थोड़ा शेड्यूल आपका खराब है तो शेड्यूल सुधारो, IELTS की प्रिपरेशन करो, और प्रिपरेशन करके एग्जाम खुद से ही दे आओ एक बार की। अगर वो आपको अभी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो वो 10-15 हज़ार का फॉर्म है, 10 हज़ार का नहीं सॉरी 15 हज़ार 14,000 के आसपास का फॉर्म है, आप वो भरें कैसे ना कैसे, इतनी सेविंग होगी आपके पास, नहीं है तो एक बार की कैसे भी भरो और प्रिपेयर करके खुद दे आओ। उनके चक्कर मत कटवाओ माँ बाप के बार बार, उनका दिमाग मत खाओ, स्टार्ट डूइंग, ठीक है। आप करना शुरू करो, आप जब बैंड स्कोर हाथ में लाके दिखा दोगे कि ये है इन यूनिवर्सिटीज़ में मैं अब अप्लाई कर सकता हूँ, तो वो खुद ही मान जाएंगे, 90% चांस तो यही है। एक बात और बोलना चाहूँगा मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इस दुनिया में 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक बड़े महान व्यक्ति हैं उन्होंने कहा है ये, और ये बहुत सही बात है। पहला टाइप तो जो टॉपर्स होते हैं, जो बहुत पढ़ते लिखते हैं, वो डेफिनेटली आगे जाते हैं, अच्छा करते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा टाइप इसमें वो है, एकदम आवारा वाली बात नहीं कर रहा मैं, वो है जो लोग बहुत पैशनेट होते हैं अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ को लेके, और उनका किसी ना किसी उस वजह से, उस पर्पस की वजह से थोड़ा सा स्टडीज़ कॉम्प्रोमाइज होती हैं, लेकिन ऐसे लोग हैप्पीएस्ट होते हैं लाइफ में। तो आप ऐसा पर्पस एक फाइंड करो कि इस वजह से आपको अगर बाहर भी जाना है तो आप बाहर इस पर्पस से जाओ कि आपका कुछ है पैशन, उसकी वजह से आप जा रहे हो, ठीक है। पढ़ाई भी है तो वो पढ़ाई वैसी होनी चाहिए, पैशनेट, मज़े अपनी जगह है, ठीक है। बाहर आप 20-30 लाख रुपए लगें तो सिर्फ मज़े के लिए नहीं जाओगे ना, तो बस इसको ध्यान रखना। और तीसरी कैटेगरी होती है जो एकदम ही आवारा होते हैं, उनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं होती, तो वो वैसे ही निकल जाती है, उनकी ज़िंदगी आगे भी 30-40 साल के हो जाते हैं, तब बाद में फिर कोसते ही रहते हैं वो लोग, हमेशा दूसरों पर ब्लेम ही डालते रहते हैं।
तो ऐसे ना बने, तो अभी इतनी बात है और ऐसे आप भी कर सकते हो, कन्विंस, शेड्यूल सुधारो। लेकिन वही है, एक जो मुद्दे की बात है, शेड्यूल की वजह से बहुत गड़बड़ होती है, बहुत परेशानी होती है। तो अगर आपका शेड्यूल अच्छा रहेगा तो आपके चांसेस भी बढ़ जाएंगे, पेरेंट्स भी आपको थोड़ा सीरियसली लेंगे कि हाँ बच्चा जेन्युइनली इंटरेस्ट है, और उसके बाद आप ऐसे पढ़ाई करो आईएल्ट्स वगैरह की, ठीक है। लेकिन इसके लिए कोई कोचिंग अगर आप ज्वाइन करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो मत करो, इतना कोई बहुत मुश्किल काम तो है नहीं, तो उनका इतना दिमाग मत खाओ, नेट पे सब कुछ है, पढ़ना स्टार्ट कर दो और कन्विंस हो जाएंगे वो, जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं तो एक बार मेरी वीडियो दिखा देना, शायद हो जाए कुछ आपका, अगर काम हो जाए तो अच्छा ही लगेगा मुझे। तो ठीक है, आज का टॉपिक यही था, और फिर किसी दिन मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल, पीस आउट, बाय।